हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एक हफ्ते की पूरी यूट्यूब की ऑफ के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका वेट लॉस बिल्कुल नहीं हो रहा, जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट है, जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, जिनकी रिपोर्ट्स में फैटी लिवर, हाई लिपिड प्रोफाइल आ चुका है एंड जो ये उम्मीद छोड़ चुके हैं कि क्या हम कभी भी बैक टू अपनी बॉडी शेप में आ पाएंगे या हम कभी भी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। मैं अपनी चीज़ों को आपको क्लियर करती हूँ। जब मैं पूरा का पूरा 98 और 100 केजीज पे कभी की रहती थी, मेरा जो वेट है वो कभी भी शेड नहीं होता था। मेरे क्लाइंट एज ऐसी है जो कि बहुत ही डीट किस्म की बॉडीज लेके आए हैं, जिनका वेट शेड करना एक टास्क है या फिर उनको लगता है कि इस जन्म में तो मैं कभी भी पतली नहीं हो पाऊंगी। लेकिन सही डाइट, सही टाइम पे सही किस्म का फूड खाने से हर इंसान पतला हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाओ और आपको लगे कि ना पॉसिबल हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे 7 वेजिटेबल्स एंड दाल के उबले हुए पानी डिनर की रेसिपीज, जो कि आपको फास्टेस्ट से भी फास्टेस्ट वेट लॉस देंगे बिना किसी फास्टिंग के एंड बिना भूखे रहे। एंड उसके साथ साथ अगर आप इसको राइट टाइम पे फॉलो करोगे, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। नंबर फर्स्ट चेंज आपको दिखेगा, आपकी स्किन कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। नंबर सेकेंड आपको दिखेगा कि आपको एंटी एजिंग का काम कर रही है। अगर आपके रिंकल्स हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके पिगमेंटेशन है, आपके स्पॉट्स हैं या फिर आपके अनवांटेड हेयर हैं, यहाँ पे वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर थ्री आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। जो आप लथार्जिक की तरह पूरे दिन बेड पे पड़े रहते हो, आपको लगता है कि यार मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन है मेरी हड्डियों में, आपके पेन खत्म होंगे। नंबर फोर, अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है डाइट करके या किसी भी एक्स वाई जी रीजंस की वजह से, इस मौसम में मानसून में आने में जैसे ही हेयर लॉस होता है बहुत ज़्यादा, आपका हेयर लॉस स्टॉप होगा। नंबर फाइव एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी ना तो भूखी है, आपका स्टमक ना उसको बहुत ज़्यादा ओवरईट किया गया है, जितना चाहिए उतना खाना उसको मिला है, उतना मील उसे मिला है एंड वो टाइम पर सोएगी बिना किसी रुकावट के, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका वेट लॉस, जब आपके इतने सारे फैक्टर्स काम करेंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब आप उठोगे, ऑफकोर्स आपको बहुत अच्छे से स्टमक क्लियर होगा एंड उसके साथ साथ आपको यूरिन बहुत अच्छे से पास होगा, इक्वल टू आपका वेट लॉस ज़रूर दिखेगा आपको एवरी सिंगल डे इन 7 डेज के वाटर्स के साथ। सब्जियों का पानी में क्या है, सब सब्जी को हम उबाल लेते हैं, उसको स्ट्रेन करते हैं, उसका सारा फाइबर निकाल देते हैं, कार्ब्स निकाल देते हैं, सिर्फ बच जाता है एक मिनरल्स एंड विटामिंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमृत जैसा पानी। और जब हम उस पानी को पियेंगे हमारा क्या निकलेगा, बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे हैं। मैं अभी नेपाल से आई हूँ और वहाँ से आने के बाद मेरा जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्वलन हो जाता है। मुझे पतला होने का मतलब क्या है, मैंने अपने जीन्स को चैलेंज किया है। मेरी फैमिली में कोई भी बंदा पतला नहीं है, कोई भी बंदा फिट नहीं है, हर कोई बीमारियों से लाइक लड़ रहा है, हर हर बंदा, चाहे वो मेरे मेटर्नल फैमिली में हो, चाहे मेरे फादर की फैमिली में हो। यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे हेल्दी कॉन्सेप्ट की। बहुत सारे लोग मेरे पास, मेरे क्लाइंट्स आते हैं कि यार मेरा जेनेटिक ऐसा है, मेरी हेरिडिटी ऐसी है, मेरे को पीछे से एक चीज़ मिल गई है। पीछे से अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो बहुत सारी बीमारियाँ होनी चाहिए, मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, बट मैं आपके सामने पिछले 7 साल से जीता एग्जाम्पल हूँ कि गुड लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड राइट फूड राइट टाइम पे खाने से आपका वेट कभी भी बाउंस बैक नहीं करता, ना गेन होता है, ना आपको बीमारी लगती है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो कि फास्टिंग करके आए हैं, फास्ट कर करके वेट लॉस करके और दोबारा वेट गेन करके आए हैं। मैंने आज तक फास्टिंग नहीं पकड़ा, मैंने आज तक कभी भी फास्टिंग का डाइट नहीं किया एंड मैं सब खाती हूँ। जब मैं नेपाल में थी मैंने मोमोज भी खाए हैं, व्लॉग यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने हर चीज़ खाई है। वापस आके अपने आप को एक हफ्ता दिया एंड बैक टू नॉर्मल, अब मैं सब खा रही हूँ। यहाँ पे बात करते हैं राइट फूड राइट टाइम और राइट चीज़ों की। अब हम बात करेंगे डिनर की, कि इतना लाइट डिनर क्यों। जितने भी लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जितने भी लोग पतले होते हैं या जितने लोग अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हैं या नया बनाते हैं, उन लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट निकलता है, उन सबकी एक ही सिमिलैरिटीज निकलती है, अर्ली डिनर एंड लाइटेस्ट डिनर। जब आप डिनर में चीनी हटा देते हो, सॉल्ट हटा देते हो, वाइट्स हटा देते हो एंड लाइटेस्ट डिनर अर्ली डिनर करते हो, अर्ली डिनर का टाइमिंग होता है 6:30 to 7 o'clock के बीच में। मेरे पास बहुत सारे समझदार क्लाइंट्स हैं मेरे, जो कि जिनको बताया जाता है बकाया 7 बार 8 बार कि डिनर का टाइमिंग ये है, वो डिनर करते हैं 9 बजे 8:30 बजे 10 बजे, तब जाके जो वेट लॉस का जर्नी है उनका बहुत ज़्यादा स्लो होता है या होता ही नहीं। यहाँ पे जो बंदा अर्ली डिनर करेगा, जो भी पर्सन 6:30 to 7 o'clock के बीच में, आपका वेट लॉस फास्टेस्ट होगा,
आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फूड को डाइजेस्ट करने में, आप लाइटेस्ट फील करोगे एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट मॉर्निंग आपका वेट शेड होगा। ये वाटर्स बनाने कैसे हैं सब्जियों के, दो वाटर की रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, ब्लैक चना बॉइल्ड वाटर, ये रहा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, बॉइल्ड घिया का वाटर, मेरे इतने क्लाइंट्स पे इतना ज़बरदस्त काम किया है घिया बॉइल्ड वाटर ने, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे 5 बड़े ट्रांसफॉर्मेशन रेडी हैं 40-50 केजीज वेट लॉस के, एंड आप नोटिस करोगे जब मैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करूंगी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो एक नए बंदे बने हैं। ये होता है कि वेट शेड करना, वो एक न्यू पर्सन बने हैं, उनकी स्किन, उनके बाल, उनका ऑरा, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया सब चेंज हुआ है। वो सब मैं पोस्ट करूंगी अपने इंस्टा पे यहाँ पर। और अब चलते हैं किचन में और हम बनाएंगे बाकी 5 मेरे सब्जियाँ और दाल का बॉइल्ड वाटर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं बॉइल्ड मूंग का पानी। ये रहे मेरे पास 2 चम्मच, एक बंदे के लिए हम बनाएंगे तो 2 चम्मच जितना मैंने सोखे हुए मूंग डाले हैं, धुले हुए मूंग। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा हल्का सा हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा पानी। क्विक कुकिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, आपके पास एक केटल होना चाहिए जिसके अंदर आप पानी गर्म कर सको। इसमें मैंने डाला है 1 गिलास या 1.5 गिलास जितना पानी, ये 1.5 गिलास जितना पानी है। अब हम इसको विसल लगवाएंगे, 3 विसल लगवाएंगे तेज आँच पर। सो ये रहा हमारा वाटर, बिल्कुल रेडी है एंड इसका हमें सिर्फ पानी लेना है, सिर्फ पानी। और ये 1.5 गिलास डाला था तब जाके मुझे 1 गिलास पानी यहाँ पे मिलेगा पीने के लिए। तो ये रहा हमारे पास दाल का उबला हुआ पानी। अब यहाँ पे बात आती है इस उबली हुई दाल का क्या करना है। या तो ये दाल आपके घर में यूज़ हो जाएगी, तड़का लगा के आपके घर के बाकी मेम्बर्स ले लेंगे, नहीं तो इस दाल का सुबह आप परौठी बना सकते हो आटा गूंद के, अपने नाश्ते में वेट लॉस जर्नी में खा सकते हो, नहीं तो ये दाल कल दोपहर को आपके डाइट के अंदर यूज़ हो जाएगी सलाद के फॉर्म पे। आप इसमें प्याज टमाटर खीरा डाल के बहुत अच्छे से ये दाल को इंजॉय कर सकते हो। सो ये रहा हमारे पास मूंगे की दाल का पानी, बिना नमक का मैंने ये लिया है। आप चाहो तो इसके अंदर आप नमक थोड़ा सा डाल सकते हो अगर आपको बीपी लो का इशू है, बट मैं प्रेफर करूँगी विदाउट नमक। एंड यहाँ पे मेरे पास ये है उबली हुई दाल। इतनी सी दाल को आप, 2 चम्मच इतनी दाल है ये, इतनी सी दाल को आप आराम से खीरा प्याज टमाटर डाल के दोपहर को सलाद में बना सकते हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसके साथ आटा गूंद के आपका वेट लॉस की रोटी बन जाएगी, अप टू यू, बट इसको यूज़ ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट हम बना रहे हैं टमाटर का पानी। यहाँ पे मेरे पास 3 टमाटर हैं और आप देखोगे तो इसके मैंने बीज निकाल दिए टमाटर के, हैं सीड्स बिल्कुल मैंने रिमूव कर दिए हैं। इसके अंदर मैंने डाला है 1 गिलास जितना पानी, 1.5 गिलास हो गया ये। इसके अंदर भी मैं डालूंगी हल्की सी हल्दी और हल्का सा अजवाइन, लाइक पिंच ऑफ अजवाइन टेस्ट के लिए। एंड इसको हम विसल करेंगे कम से कम 5 विसल तेज आंच पे एक साथ। अभी हमारे टमाटर जो है वो बॉइल्ड हो चुके हैं, इसको अच्छे से कोई भी हैंड ब्लेंडर हो या मैशर हो जिससे भी आप मैश कर सको, अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। और ये बचे हुए जितने टमाटर हैं उसको किसी भी सब्जी में आप यूज़ कर सकते हो तड़का लगाने के लिए। अब हम इसे छान लेंगे बहुत अच्छे से। सो ये रहा हमारा टमाटर का बॉइल्ड वाटर। इस टमाटर को हम किसी भी तड़के में यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल हमारी सब्जियों में। एंड ये रहा हमारा डिनर विदाउट सॉल्ट एंड इट्स रेडी। ओके नेक्स्ट अब हम यूज़ करेंगे पेठा, पेठे का पानी। ये मैंने लिया है 250 ग्राम से ऊपर का पेठा है ये। इसके अंदर मैं डालूंगी 1.5 गिलास जितना पानी। इसमें अब हम विसल लगवाएंगे, इसमें भी डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी डाली। अब हम इसे सीटी करवाएंगे कम से कम 5 तेज आंच पे। ओके ये हो गया है गरम, इसको हम अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसको भी हम छानेंगे बहुत अच्छे से। एंड अगेन इसका जो पानी निकाल के ये जो हमारा फाइबर ये गूदा बचेगा इसका हम आटा गूंद सकते हैं, या फिर आप इसकी प्याज डाल के और हरा धनिया डाल के इसकी बहुत अच्छे से सब्जी भी बना के घर वालों को खिला सकते हैं। ओके जी, सो ये बन गया हमारा पेठे का पानी। एंड ये वाला पेठे की आप सब्जी बना के सुबह ब्रेकफास्ट में रोटी के साथ खा सकते हैं। एंड ये रहा हमारा वाटर विदाउट सॉल्ट, प्योर प्योर रिच विद विटामिंस एंड मिनरल्स। नेक्स्ट जो हम पानी बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिनको बहुत ज़्यादा आयरन का कमी रहता है, जिनके बाल बड़े ज़्यादा झड़ते हैं, जिनकी स्किन पे दाने बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको लाइक पिगमेंटेशन की बहुत प्रॉब्लम है,
जो कुछ भी कर लें उनका आयरन लेवल नहीं बढ़ता, हीमोग्लोबिन बड़ा कम है यार, और लथार्जिक फील करते हैं ना पूरे दिन। ये मैंने डाला आधा घी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक बीट रूट है, बीट रूट डाल दिया मैंने इसमें। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने 1.5 गिलास जितना गर्म पानी। अब इसको हम विसल करवाएंगे 5 तेज आंच पर। ये रहा हमारा पानी, बहुत अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अब आता है बात इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कुकम्बर और घीए को। इसका हमने क्या करना है, इसका बड़ा अच्छा सा बॉडी स्क्रब बनता है। इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं शावर में, और बहुत बढ़िया इसका बॉडी स्क्रब बनता है। इसको ठंडा करके ब्लेंड करके आप देखना आपकी बॉडी से सारी टैनिंग हट जाएगी, सारी की सारी टैनिंग। सो ये रहा हमारा रेड वाटर एंड इट्स रेडी। यहाँ पे हम बना रहे हैं ग्रीन वाटर। ये बहुत बढ़िया काम करता है जिनको शुगर है ना, जिनकी डायबिटीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, प्री डायबिटिक हैं, या जिनके इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनकी नेक लाइन जो है बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब क्या करना है, इसमें आधा घिया लिया है, कोई भी साइज़ का घिया हो आधा घिया ले लो। 2 हमने इसमें डाल दिए हैं करेला। अब डाल दिया है 1.5 गिलास जितना पानी। इसको अब हम उबाल देंगे और फिर हम इसे थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, क्रश करेंगे और छानेंगे। इसको लगानी है 5 विसल तेज आँच पर। ये हम अच्छे से इसको मैश करेंगे और अब हम इसे छानेंगे। और ये रहा हमारा वाटर रेडी। अब इसका क्या करना है, इसको हम प्याज टमाटर डाल के सुबह इसकी सब्जी बना के रोटी के साथ खा सकते हैं। एंड ये वाटर हम डिनर में लेंगे एंड एब्सोल्युटली गुड, नेक्स्ट मॉर्निंग कम से कम 600-700 ग्राम वेट जाएगा। वेलकम बैक जी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल। आप लोगों ने बहुत प्यारे कॉमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस मुझे मेरे इंस्टा पे भेजे हैं। जिसको जो भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे इंस्टा पे मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैं सुन के उसको वहीं पे वॉइस नोट में रिप्लाई देती हूँ। मैंने बहुत लोगों को भी दिया है, नेपाल के ट्रिप में भी दिया था, जाते जाते मैं बोर हो रही थी तो मैंने सुना और रिप्लाई दिया है। आपको जो भी हेल्प चाहिए कम ऑन माई इंस्टाग्राम 101 कॉन्वर्जेशन के लिए। एंड या दैट्स इट, एंड मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना यहाँ पे हेल्प करूँगी। टेक केयर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा डिटॉक्स प्लान 1 वीक का। बाय बाय।